फिर से तबाही हो चुकी है। ये देखिए फिर से जेसीबी अब काम कर रही है। ये देखिए एक नीचे एक यहाँ पे। हाँ देखिए गाइस, अब इनको फिर से ये पत्थर साइड करने पड़ेंगे। इस बार तो फिलहाल देखिए छोटे छोटे पत्थर है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा। देखिए पूरे पुल तक आगे नीचे तक। फिलहाल गाइस अभी बच चुके हैं आज, तो 10 बजे तक ये रोड निकल जाएगा जितना मुझे लगता है। तो थोड़ा ही रहेगी, आप तो देखिए। जब नदी रोड से चल रही थी ना, तो वो वाली वीडियो मुझे मिल गई है, तो वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 30 जुलाई। आज गाइज फिर से नदी आ चुकी है 4 बजे पुल के ऊपर से। तो फिलहाल डेट मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो कई भाई बोलते कि कब की ये वीडियो है। तो ये देखिए, देखिए 30 जुलाई लिखा हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं पुल के वहाँ, तो दिखाते हैं आपको फिर से बाढ़ कैसी आई है और फिर से पत्थर ही पत्थर आ गए और गाँव में फिर से पानी आ गया था। तो फिलहाल चलते हैं, अगर वो वाली वीडियो मुझे मिलेगी तो मैं वो डाल दूंगा। तो फिलहाल चलते हैं पलचान, तो लेट्स गो। यहाँ देखे गाइस नदी फिर से बढ़ चुकी है। फिलहाल चलते हैं जल्द से जल्द पुल के पास, तो लेट्स गो। देखिए गाइस ट्रैफिक ही लग चुका है बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऊपर तक ये फिर से गाइस पत्थर आ चुके छोटे छोटे इस बार। तो जहाँ से उन्होंने मिट्टी की दीवार दी थी ना, तो वहीं से पानी आ गया है। तो मुझे पता था अगर पत्थर की देते ना तो उतना नहीं आता। तो वहाँ से भी दिखाते आगे जैसे आपको लाल चलते हैं। ठीक है, इस फिर से पत्थर आ चुके हैं पुल के ऊपर, ये देखिए। तो लाल जैसे भी काम कर रही है आगे, देखिए। तो उनको ना जो मिट्टी की उन्होंने दीवार दी थी ना, तो अब देनी पड़ेगी उनको एकदम पत्थर की, तब नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए गाइस, अब इनको फिर से ये पत्थर साइड करने पड़ेंगे। इस बार तो फिलहाल देखिए छोटे छोटे पत्थर है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा। देखिए पूरे पुल तक आगे नीचे तक। तो जब नदी रोड से चल रही थी ना, तो वो वाली वीडियो मुझे मिल गई है, तो वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा। ब्रिज के वहाँ पर आ गया था। देखिए फिर से तबाही हो चुकी है। ये देखिए फिर से जेसीबी अब काम कर रही है। ये देखिए एक नीचे एक यहाँ पे। जो ये परे इन्होंने मिट्टी की ये दीवार दी थी ना पहले, तो यहीं से पानी आया था पिछले कल रात को 3-4 बजे। तो अगर इन बड़े बड़े पत्थर की दीवार देते नहीं तो उतना पानी नहीं आना था। पर बाहर को तो कोई भी नहीं रोक सकता, इसने आना था तो फिर से आ गई। देखिए फिलहाल गाइस अभी बच चुके हैं आज, तो 10 बजे तक ये रोड निकल जाएगा जितना मुझे लगता है। तो थोड़ा ही रहेगी, आप तो देखिए। पर पूरा पुल तक इनको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि पुल में भी छोटे छोटे पत्थर आ गए। अगर ऐसे ही बाढ़ आती रही ना, तो ये
जाएगा पूरा। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए गाइस, यहाँ से तो फिलहाल टूट गया है हाईवे। ये बड़ी जेसीबी देखिए, यहाँ से इसने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो छोटी वाली जेसीबी तो वहीं पर ही लगी है, तो बड़ी का ही काम है फिलहाल यहाँ पे ना। देखिए फिर से अब लोग परेशान हो गए हैं। पिछले कल फिर से चांद गांव वाले उठ गए थे 3-4 बजे ही। गाइस मैं दिखाता हूं आपको किस नदी ने इतने सारे पत्थर फिर से ला दिए हैं। तो आप बोलोगे इतनी सी छोटी सी नदी ने इतने सारे पत्थर लाए हैं। तो ये देखिए, ये इतनी सी छोटी सी नदी, यहाँ देखिए, तो इसने इतने सारे पत्थर लाए हैं कोई सोच भी नहीं सकता। ये देखिए, जब ये आती है ना तो ये हर बार नुकसान करके जाती है। देखिए फिर से पुल में छोटे छोटे पत्थर ला दिए इसने। ये देखिए फिलहाल अभी तो आपको छोटी दिख रही है ये, जब ये आती ना प्रचंड रूप में तो ये इतने सारे पत्थर ला देती। देखिए वो तो आपके पास एग्जांपल है ही सामने। ये देखिए गाइस, फिर से इन्होंने थोड़े से छोटे छोटे पत्थर की दीवार दे दी है और मिट्टी की। तो अगर ये थोड़े से ये बड़े वाले पत्थर लगाएंगे ना तब थोड़ा सा बचाव होगा, बट ये तो फिर से भी जा सकता है। ये देखिए, तो फिर से यहीं से आई थी रात को, यहाँ से इस वाले पोस्टर। तो ये वाला पत्थर भी फिर से नदी ने लाया, पिछले कल तो ये पत्थर था ही नहीं। फिर से आज हैवी ट्रैफिक लग गया है ऊपर और नीचे से। नीचे से तो मैंने आपको ट्रैफिक दिखा दिया था, तो ये देखिए ऊपर से ट्रैफिक लग गया है और काम करने वाले चले हुए। देखिए फिलहाल गाइस छोटी वाली जेसीबी नीचे को गई है, इतने भी पुल में छोटे छोटे पत्थर आया ना तो उसको वो क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे तो उस वाली जेसीबी से उतना हो नहीं रहा था, आपने देखा ही होगा। तो फिलहाल ये यहाँ पे काम करेगी और छोटी वाली जेसीबी पुल के उधर जितना भी मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह आया है तो वो साइड करेगी। यहाँ देखेगा इस ऊपर दीवार दी थी मिट्टी और पत्थर की, तो फिर से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी चला हुआ है और इस वाली नदी को कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी चल के यहाँ देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है। अगर इस वाले पुल का आगे वाला पोर्शन टूटा नहीं ना होता तो कुछ गाड़ियाँ यहाँ से भी आ सकती थी। तो इसके लिए रास्ता वहाँ से, ये पुराना रूट था सोलांग वैली का, तो उसके बाद ये नया पुल बना है। अरे देखिए यहाँ से भी गाड़ी आ सकती थी, बट यहाँ से तो टूट गया है वेस्ट पोर्शन इसका। तो यहाँ यहाँ पे आने की अगर पुल टूटा नहीं होता। ये देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा पानी आके इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है एक जगह। देखिए तो फिलहाल ये पानी भी जाएगा पुल के ऊपर। देखिए गाइस, जितने भी पुल के ऊपर पत्थर मिट्टी आ गई थी ना, तो छोटी वाली जैसे भी साफ कर दिए, पूरा क्लीन कर दिए। देखिएगा ये थोड़ा थोड़ा जो भी पानी चल रहा है ना, तो बीआरओ वालों को ये जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसा चलता रहेगा ना थोड़ा थोड़ा पानी तो इतना ज़्यादा हो जाएगा। देखिए तो ये वाला पानी पुल के उधर से ही जाएगा। तो आधा पोर्शन तो जेसीबी ने कंप्लीट कर दिया था, तो थोड़ा सा रह गया। देखिए वहाँ का किला हटाना है, तो फिर उसका रोड निकाल देंगे शायद ये गाड़ी के लिए। और थोड़ा ये वाले पत्थर भी दूसरी वाली जेसीबी को हटाने पड़ेंगे, ये वाले देखिए छोटे छोटे। लाल नीचे से जेसीबी आ गई थी, तो ट्रक वगैरह आ गए थे बीआरओ वालों के ना। ये वाला पोर्शन का पत्थर और मिट्टी ये ट्रक में डाल रहे थे। तो जैसे भी छोटी जैसे भी यहाँ नीचे हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। फिलहाल 10 बज चुके हैं। एक और छोटी जैसे भी आ चुकी है नीचे। छोटी
सी नाली बना दी है क्योंकि पानी तो नीचे को जा रहा है सारा, तो यहीं से ब्लॉक कर रहे हैं पानी को, यहाँ से चला जाएगा। तो गाइस फाइनली बीआरओ वालों ने कंप्लीट कर दिया है रोड, तो रास्ता खोल दिया फिलहाल अभी ना। तो 7 बजे में आया था तो 4-5 घंटे रोड खोलने में लग गए इनको बीआरओ वालों को। तो फिलहाल अब शायद से गाड़ी भेज देंगे, फिलहाल अभी बज गए 10:30। फिलहाल नीचे के बाइक और गाड़ी छोड़ दी गई है, देखिए यहाँ देखिए जल्दबाजी में बाइक वगैरह भी नहीं चढ़ पा रहे हैं। ये देखेगा इस बार वालों को चलानी नहीं आ रही है, इसमें एक ही मोशन चाहिए। ये देखिए ये ना एक मोशन में नहीं ले जा रहे हैं, आप देखिए एक मोशन में ले गए, अब फंस भी नहीं रही है, इसमें चाहिए एक मोशन ओनली। देखते हैं गाइस नैनो, यहाँ देखिए उड़ते हुए देखिए लॉर्ड अल्टो तो कहीं कहीं फंसती भी नहीं कभी, देखिए कैसे उड़ते हुए। देखिए गाइस इतनी सारी गाड़ी फंस गई थी ट्रैफिक में, देखिए जिप्सी वाले लोग ज़्यादा जल्दी लगी है। हाँ तो रैली भी स्टार्ट हो गई है लाहौल में, ये देखिए रैली के लिए गाड़ी। गाइस अभी तक नीचे की गाड़ी छोड़ दी थी तो अब ऊपर की गाड़ी छोड़ दी गई है, देखिए गाइस आपको दिखा दिया है रोड वगैरह निकल गया है। तो फिलहाल अब घर की ओर चलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं तो वीडियो भी अपलोड करते हैं, फिलहाल चलते हैं घर की ओर। तो मैक्सिको देखेगा इस नदी कितनी ज़्यादा है आज। तो ये है बियास रिवर, इस रिवर को बोलते हैं मसरे, तो यहाँ पर इनका मिलन हो जाता है यहाँ पे। तो अभी तक डाइवर्ट नहीं हुई जैसे भी वाले से नदी, पीछे नदी आई थी ना गाइस तो उतना पानी नहीं आया था बोला, तो इस बार ना बहुत ज़्यादा पानी चला हुआ था इस रोड से, ये पत्थर ही पत्थर है। देखिए गाइस पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा यहाँ पर नहाने के लिए बन गया था ऐसा खुला जैसा, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा गहरा था, अगर कोई कूदता ना पूरा डूब जाता। और फिलहाल यहाँ से भी नदी आई थी पिछले घर, गाइस घर में पहुँच गया था तो जब नदी रोड से चल रही थी ना तो वो वाली वीडियो मुझे मिल गई है, तो वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा। तो आज का जो ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप गाइस आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते कल के अच्छे से ब्लॉग में, तो अभी के लुके बाय गाइस।